भाभी जान। अरे रहीम भाई, आप कब आए? रहीम काफी देर से आपका इंतजार कर रहा है भाभी जी। यार व्हाट अ लवली म्यूजिक। लगता है प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। ऑफ कोर्स हंटी, सो फुल ऑफ लाइफ। अब हमारी जनरेशन के नौजवानों के लिए तो यही इंस्पिरेशन है, यही लाइफ फर्स्ट और यही लाइफ। लाइफ जिसे हम लाइफ कहते हैं वो वास्तव में एक तरह का स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को खून की तरह खोखला किए जा रहा है। मम्मी आवाज कुछ कम कर दूं क्या? टेलीविजन पूरा ही बंद कर दो बेटे, लगता है भाभी जान को ये प्रोग्राम पसंद है। मेरी पसंद और नापसंद का तो सवाल ही नहीं है भैया, सवाल तो है इसके प्रभाव का। लेकिन भाभी आखिर इस तरह के प्रोग्राम्स देखने में बुराई क्या है? ऐसे प्रोग्राम्स देखने से हमारे सोच विचार, हमारी आदतों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन भाभी ये तो मनोरंजन है और इस तरह के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देखना तो लोग पसंद करते हैं, दे लाइक इट। आई थिंक यू फॉरगॉट द अनडिजायरेबल एक्टिविटीज ऑन द स्क्रीन। इसी पसंदगी के कारण आजकल कई परिवार टूटते जा रहे हैं, हम सब में अलगाव की भावना उत्पन्न हो रही है और हम बड़े फक्र से घटिया फिल्में देखने मात्र को मनोरंजन कहते। पर भाभी जान ये फिल्म बनाने वाले ऐसा क्यों सोचेंगे कि हमारी आदतें बिगड़े या हमारे ख्यालों में तब्दीली आए? वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं और उनके प्रोडक्ट्स तभी बिकेंगे जब हमारे विचारों में परिवर्तन आए, और हमारे विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है उसका परिणाम तो हम सबके सामने है। एक विशाल उपभोक्ता संस्कृति पनप रही है और भोग विलास की चीजों को प्राप्त करने में आजकल एक होड़ सी लगी है। वाह भाभी वाह, तो अब आप प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार को भी बंद करवाना चाहती हैं? भाई फिल्मों से तो आप अभी तक जुड़ी नहीं थी, अब आप एड्स को भी अपने लपेटे में ले रही हैं। हाँ,
क्योंकि आजकल अधिकतर फिल्मों में और एड्स दोनों में अंधे पंगे जैसी दोस्ती हो चुकी है। ये दोनों चीजें आपस में मिलकर हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी मनुष्य के अवचेतन मस्तिष्क पर अपने अधिकार जमाने की कोशिश में है, और खासकर ये अबोध और मासूम बच्चे उनके शिकार होते जा रहे हैं। यकीनन इस तरह की फिल्मों के असर से बच्चों की सोच में फर्क आ ही जाता है। जो कुछ हम देखते हैं सुनते हैं वही हमारे दिमाग में रहता है, और धीरे धीरे इसी के आधार पर हम काम करते हैं, और इसी काम से हमारे संस्कार बनते हैं। हमारे संस्कार कैसे हैं ये डिपेंड करता है हमारे विचारों पर, हमारी जीवन शैली पर। बात तो बिल्कुल ठीक है भाभी, लेकिन समाज में जो होगा वही तो हम करेंगे, और फिल्में भी तो हमारे सामाजिक जीवन का एक अंग है। अब जैसी फिल्में बनेंगी वैसी हमें देखनी पड़ेंगी। और आंटी आजकल ज्यादातर फिल्में ऐसी ही होती हैं। ऐसी बात तो नहीं, बहुत सी फिल्में और सीरियल भी बने हैं जो हमारी संस्कृति हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तरह तरह की भाषाएं, अलग अलग पोशाकें, नाचते गाते लोग, यही है संस्कृति। अरे नहीं भाई, आजकल तो संस्कृति की परिभाषा ही गलत बताई जाती है। वास्तव में हमारे अंदर जो अच्छे विचारों को अच्छी भावनाओं को उभारने वाले प्रोग्रामों को ही सांस्कृतिक कहा जा सकता है। अरे भाभी जान, आजकल के इस बदलते हुए जमाने में अच्छी फिल्में और अच्छे प्रोग्राम कहाँ देखने को मिलते हैं। पर मेरे पास एक बहुत अच्छा कैसेट है। माया बिटिया इसे जरा लगाना। लो जी समान तो कर लिया मैंने सेट, तो हुण मैं करना अपने आप नूं एडजस्ट। सरदार साहब आप कहाँ तक जा रहे हैं? ओ जी हम तो इंदौर अश्वमेध में जा रहे हैं। आप भी वहीं जा रहे हैं ना? जी हाँ, मैं भी इंदौर जा रहा हूँ अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने, और ये भाई भी मेरे साथ यज्ञ में ही भाग लेने जा रहे हैं। आप अकेली हैं क्या? जी हाँ। आप कहाँ तक जा रही हैं जी? मैं नासिक जा रही हूँ। आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं इंदौर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इंदौर। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आप क्या करते हैं और इंदौर जाने की वजह क्या है? हाय, मैं नॉन रेजिडेंट इंडियन और मैं लंदन से आया हूँ। लेकिन साहब आप सेकंड क्लास में? जी हाँ, मैं एक ऑर्डिनरी इंडियन की तरह इंडिया को देखना चाहता हूँ। दैट्स गुड। और इंदौर जाने का मेरा एक खास पर्पस है। ओ तोड़ा केड़ा खास पर्पस है बादशाह? यज्ञ, मेरा मतलब अश्वमेध यज्ञ से। माफ करना जनाब, मैं आप लोगों से एक बात पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? पूछो जी पूछो। अश्वमेध यज्ञ ये क्या है, जरा बताने की जहमत करेंगे? अश्व का मतलब जानवरों जैसी आदतें, और मेध यानी कुर्बानी। कहने का निचोड़ ये हुआ, इंसान के अंदर जो जानवरों जैसी प्रवृत्ति है उसे त्याग देना या कुर्बान करना। इतना ही नहीं खान साहब, यज्ञ तो दूषित वातावरण को सुधारने का भी एक शानदार प्रयोग है। क्या यज्ञ के धुएं से प्रदूषण भी दूर हो जाता है? डॉक्टर हॉपकिंस, फ्रेंच साइंटिस्ट प्रोफेसर टिल्वर्ट और रशियन साइंटिस्ट रिसेविश का कहना है कि यज्ञ के धुएं से पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। ओह, अब याद आया, इसीलिए गुजरात सरकार ने सूरत में प्लेग के फैलाव को रोकने के लिए चलते वाहनों में यज्ञों की व्यवस्था की। खैर जो भी हो, मैं तो इन यज्ञों के प्रभाव से इंसान के मन की मलिनता और आत्म सुधार के बारे में सोच रहा हूँ। आज हर आत्मा को अविश्वास, अदूरदर्शिता और स्वार्थपरता के चील कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। और आपकी बात से मुझे पूरा इत्तेफाक है, पर आजकल देखिए अपनेपन का दायरा कितना सुगड़ता जा रहा है। हम सब अलग अलग प्रांतों के और अलग अलग मजहबों के होते हुए भी इस मिशन के कारण एक परिवार जैसे हो गए। हाँ अंकल, हमारे मिशन का नाम भी तो गायत्री परिवार ही है ना। साकी माफ, इसे एक गायत्री परिवार कहने की कोई खास वजह? हाँ साहब, गायत्री का मतलब है विवेकवानों, यानी अच्छी सोच और अच्छे ख्यालात रखने वालों का परिवार। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मेरा ख्याल था कि गायत्री का ताल्लुक किसी खास मजहब या किसी खास फिरके से है। लगता है गायत्री तो एक समुद्र की मानिंद है जिसकी लहरें फिरका परस्ती और मजहबी दीवारों को लांघकर हर किसी को अपनी आगोश में पनाह देती हैं। वहां पर लोगों को सद्विचार, सत्कर्म और सद्भाव सिखाने का कार्य किया जाता है, ना कि उन्हें मजहबी बनाने का। वजह फरमाते हैं आप,
हमारे मजहब में भी सोचमंद लोग इंसान में इंसानियत लाने की बात करते हैं। अश्वमेध यज्ञ के लिए कोई फीस मतलब कोई शर्त भी है? की गल्ला कर दे हो बहन जी, वहाँ पर तो रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था ही फ्री है जी। ना ना ना, दो शर्तें तो है। कौन सी शर्त? एक तो साधना और दूसरा अनुशासन। मतलब? साधना का मतलब है इस उद्देश्य को समझना और ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना करना और इस कार्य के लिए भीतर से उमंग पैदा करना। ये तो समझ में आया, पर अनुशासन क्या है? समय से यज्ञ में भाग लेना, यज्ञ में कई बातों का ईमानदारी से पालन करना और पुरुषों को धोती कुर्ता पहनना। ऐसा क्यों? जैसे मिलिट्री में भर्ती व्यक्ति को और डिग्री लेने वाले को अलग अलग पोशाकें पहननी होती हैं। अरे भाई, पर पैंट और शर्ट पहनकर जाने में क्या हर्ज है? यज्ञ के लिए निर्धारित पोशाकों को ना पहनने के लिए जिद करने का मतलब है भारतीय संस्कृति को ना समझ पाना या इसे छोटा समझना। लेकिन एक गल मेरी समझ में नहीं आती जी, कि ये यज्ञ इंदौर में क्यों रखा गया? अश्वमेध महायज्ञों की श्रृंखला के इस 25वें यज्ञ के लिए देवी अहिल्या की नगरी इंदौर का चयन किया गया है। ये वो मालवा भूमि है जो संदीपनी की कर्म भूमि और न्यायप्रिय सम्राट विक्रमादित्य की शक्ति है। भोज का साहित्य और महाकवि कालिदास का काव्यकाल है। नर्मदा शिप्रा इसके चरण तीर्थ हैं। अवंतिका इसका तपोवन है। दो ज्योतिर्लिंग भी इसी क्षेत्र में हैं, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। इस संयुक्त धरा पर विराट अश्वमेध यज्ञ अपनी समूची चेतना प्रेरणा और दर्शन के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। अरे चलिए ना खा साहब। हाँ हाँ मियां, अचरज है, इतने लोग, लगता जैसे लोगों का एक सैलाब उमड़ाया हो। ओम भाई, यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था की हो? सामने विक्रमादित्य नगर है, उसमें कार्यकर्ताओं का निवास है, आपके रुकने की व्यवस्था वहीं है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। लावे कमाल है, मैं क्या जितेंद्र करे, जिथे मर्जी चल जा, इना दा उता अरेंजमेंट बल्ले बल्ले ही है। हां जी, वैसे तो मैं बहुत दिनों से सामाजिक कार्य करती आई हूँ और मैं इससे बहुत प्रभावित हुई हूँ, पर इतना बड़ा आयोजन ये कैसे करते हैं इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। इस विशाल जन समुदाय की उचित व्यवस्था करना, यह उत्तरदायित्व आप सभी परिजनों के द्वारा पूर्ण होगा। जनाबे आली, मैं दिल्ली से आया हूँ और ये जो आपका ट्रांसपोर्ट का विभाग है, इसमें कार्य करना चाहता हूँ। मुझे बेहिंता खुशी होगी और फख्र भी होगा अगर आप मुझे ऐसा मौका दें। जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, डेविड डोनाल्ड फ्रॉम गोवा। इस महायज्ञ के फर्स्ट एड के सेक्शन में काम करके मैं अपनी मेडिकल सेवाएं देनी चाहता हूँ। पश्चिमी द्वार पर जो स्वागत कक्ष है, उसके लिए 4 परिजनों की आवश्यकता है जिन्हें हिंदी एवं इंग्लिश का अच्छा ज्ञान हो। आई एम सोमेश कपूर फ्रॉम लंदन, मुझे हिंदी और इंग्लिश की पूरी नॉलेज है। एक महत्वपूर्ण कार्य और रह गया है, वह है भोजन व्यवस्था। प्राजी, मेहरबानी करके मेरी ड्यूटी जी लंगर ते ला दियो। आइए आइए, आप जैसे भावनाशीलों से ही यह कार्य पूर्ण होने वाला है। जी, मैं एक समाज सेविका हूँ और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ, अगर मेरे लायक कोई कार्य हो तो। कुछ बहनों की आवश्यकता यज्ञशाला के लिए है, आप मंजू जी के साथ चले जाएं। वैसे हमारे काम काज का तो बंटवारा हो गया, लेकिन हजूर कुछ भी कहिए, मैं तो यहाँ के इंतजाम को देख के दंग हूँ। यू आर राइट खान साहब, इतनी बड़ी पब्लिक के लिए इंतजाम करना, ठहरने का, खाने का, रियली वंडरफुल। एंड वन थिंग मोर, जो मैंने लेस्टर में भी देखी कि इतने ह्यूज गैदरिंग को कंट्रोल या मैनेज इनकी ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स ही करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। I bring greetings from the Lord Bishop of Leicester and from the Christian churches in the city. Om Bhargava Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargava Devasya Dhimahi
धियो यो न पृथुदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं लेकिन एक बात आपको समझ लेनी चाहिए सुमेश भाई, ये कितना आत्मविश्वास भर देते हैं जी ये गायत्री परिवार के लोग इंसान के अंदर। अरे भाइयों, आप लोग अभी तक सो रहे हैं? उठिए उठिए, आज अश्वमेध यज्ञ का प्रथम दिवस है। प्रबल यह चतुरंगिणी, इसका सृजन ही धर्म है। अस्त्र है सद्भावना, सुविचार है सत्कर्म है। प्रबल यह चतुरंगिणी, इसका सृजन ही धर्म है। अस्त्र है सद्भावना, सुविचार है सत्कर्म है। मनुज में देवत्व गढ़ने की अनोखी शक्ति है। मनुज में देवत्व गढ़ने की अनोखी शक्ति है। लोक हित बलिदान होने योग्य अनुपम भक्ति है। उस योग्य अनुपम भक्ति है। उस योग्य अनुपम भक्ति है। प्राण के अनुदान तो इसको हिमालय दे रहा। प्राण के अनुदान तो इसको हिमालय दे रहा। वीर इसके काल की गति खोल कर दिखलाएंगे। धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगिणी, चल पड़ी चतुरंगिणी। धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। देव संस्कृति दिग्विजय को चल पड़ी चतुरंगिणी, चल पड़ी चतुरंगिणी। महाकाल की युग परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत बुद्धावतार के पूरक निष्कलंक अवतार के लीला संधों के क्रम में मनुष्य मात्र को वर्तमान विभीषिकाओं विडम्बनाओं से मुक्ति दिलाकर उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं को साकार करने के लिए अधिक व्यापक एवं अधिक तेजस्वी अभियान चलाने की भावना सहित इस महान अभियान के प्रणेता वेदमूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य पंडित श्री राम शर्मा एवं उनकी अभिन्न शक्ति स्वरूपा परम वंदनिया माता भगवती देवी शर्मा के युगल चरणों में नमन करते हुए इस महायज्ञ को प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। पावन बना दो।
पूज्य गुरुदेव का कहना है कि मात्र शिक्षा ग्रहण कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, केवल शिक्षा से मनुष्य निपट स्वार्थी भी बन सकता है। हाँ जी, वंदनीय माता जी भी कहा करती थी कि सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, नहीं तो इंसान के अंदर अपराधिक प्रवृत्तियाँ पैदा हो सकती हैं। जी हाँ। इसीलिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान होना भी बहुत ही जरूरी है। मेरा मतलब गायत्री विद्या से है। पर एक बात मेरे जहन में बार बार आती है कि यज्ञ देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन करने की कोई खास वजह? वजह ये है जी कि बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करके लाखों लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें युग निर्माण योजना में भाग लेने के लिए सहमत किया जाता है। विपिन जी ठीक ही कहते हैं, इन यज्ञों का एक खास एम है। यह बात मुझे आज डॉक्टर प्रणव पांड्या से मिलकर ही मालूम हुई। यज्ञ समूह मन के जागरण की प्रक्रिया का नाम है। यज्ञ के माध्यम से हम एक विराट मन का निर्माण करते हैं और जो ये समुदाय इकट्ठा होता है वह मात्र एक कोई कर्मकांड करने के लिए नहीं बल्कि अपने मन को उस समष्टिगत चेतना के साथ जोड़ने के लिए इकट्ठा होता है, जो कि यज्ञ की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति शिक्षण लेता है अपने आप को अच्छे कार्यों में साथ लेकर के चलने का, सबके साथ मिलकर के काम करने का। यज्ञ एक प्रकार की चिकित्सा भी है, समूह चिकित्सा, न केवल मन की बल्कि हमारी जो आदि व्याधि बताई गई हैं उन सब की। जितने भी हमारे आज के रोग हमको दिखाई पड़ते हैं वे पुराने ज़माने में नहीं थे, क्योंकि हमारे पास यज्ञ नाम की विधा थी। यज्ञ एक प्रकार से समस्त संस्कारों के साथ संबंध किए जाते थे। संस्कार उन्हें कहते हैं जिसमें धातु को जिस प्रकार से हम गर्म करके अग्नि के माध्यम से प्रवाहित करके उसको हम तपाते हैं, उसके अंदर की कमियों को, अनगढ़ता को निकाल के सुगढ़ बनाते हैं, उसी प्रकार से यज्ञ प्रक्रिया से गुजार कर व्यक्ति की आत्मा को मलिनता से, कषाय कलमशों से मुक्त करके शुद्ध किया जाता है और विभिन्न रूपों में सारे संस्कारों के द्वारा व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठताओं का समावेश किया जाता है। ऐसे कई मोड़ आते हैं जीवन में जब इनकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह बालक का जन्म होने के पूर्व की स्थिति हो जब बालक घर में स्थापित हो चुका है, चाहे विवाह का एक शुभ कर्म हो, प्रत्येक में यज्ञ अनिवार्य है, क्योंकि यज्ञ एक अग्नि, पवित्र अग्नि के रूप में एक ऐसी प्रक्रिया को निभाता है जो कि हर संस्कार को श्रेष्ठतम स्वरूप प्रदान करता है और न केवल वह आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इन सब के पीछे वैज्ञानिकता है, यह प्रमाणित हो चुका है। नाउ आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड। मनुष्य के व्यक्तित्व को जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारित करने की व्यवस्था ऋषियों ने बना रखी है। बालक जब गर्भ में हो तब मंत्र शक्ति और माता और परिवार के चिंतन और व्यवहार के माध्यम से उसमें श्रेष्ठ आदर्शों के बीज बोए जाते हैं। पैदा होने पर नामकरण संस्कार के माध्यम से भी यही प्रयोग किए जाते हैं। मुंडन के माध्यम से मस्तिष्क के हीन संस्कारों को हटाकर सद्विचारों के प्रतीक के रूप में शिखा की स्थापना की जाती है। अन्न प्राशन के माध्यम से शरीर के आहार और विद्यारंभ के माध्यम से आत्मा के आहार को मर्यादा दी जाती है। यज्ञोपवीत संस्कार उच्चतर आदर्शों को धारण करने के लिए किए जाते हैं। विवाह में पति पत्नी के सामाजिक सामूहिक जीवन का प्रारंभ होता है, उसे कुरीतियों से बचाकर आदर्श आधार पर संपन्न करने से ही अच्छे परिवार, अच्छे समाज की मजबूत नींव रखी जा सकती है। अश्वमेध के अवसर पर हजारों व्यक्तियों में संस्कार परंपरा के लाभ उठाने का उत्साह जागा। ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हुआ। लोग प्रवचनशाला में भारी संख्या में उपस्थित हुए। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, 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 परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, परिवर्तन कर
आदिशक्ति को साथ लिए, माँ आदिशक्ति को साथ लिए, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, और सद्विचारों को लोक हितकारी कार्यों के रूप में प्रकट करना ही यज्ञीय प्रक्रिया है। जीवन में यज्ञीय अनुशासन लाने की प्रेरणाएं हर मनुष्य को दी जानी चाहिए। यज्ञ कुंडों के माध्यम से संचरित यज्ञ जीवन की प्रेरणाएं हैं तो मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी, किंतु यज्ञ कुंड का प्रयोग अनेक संप्रदायों में न होने से उस वर्ग के लोगों में उसमें भाग लेने से संकोच होता है। दीप यज्ञ उस कमी को पूरा करता है। दीपक और अगरबत्ती का प्रयोग हर संप्रदाय के पवित्र स्थलों में किया जाता है। दीपक के प्रकाश तथा अगरबत्ती के सुगंध की तरह अपने व्यक्तित्व से ऊपर विचार सभी के लिए हितकर हों, ये भावना दीप यज्ञ के साथ जागृत की जाती है। सरदार जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस डेविड जी, क्या बताऊं जी आपको, जिंदगी में मैंने जी बहुत बड़े बड़े लंगर देखे हैं जी, लेकिन एड़ा बड़ा लंगर, एड़ा बड़ा भोजन, ऐसा लगता था जी जैसे सारा शहर ही खाना खाने आ गया हो जी। आज मुझे नया ही एक्सपीरियंस देखने को मिला। सैकड़ों कपल्स का रजिस्ट्रेशन किया जो बेहद सादगी और बिना दहेज के मैरिज करने के लिए विलिंग थे। पढ़े लिखे, गरीब, ऊंचे घरों के, हर किस्म के लोग थे उसमें। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी ड्यूटी तो ट्रांसपोर्ट में लगी है, लेकिन कमाल है साहब, ट्रांसपोर्ट का इतना पुख्ता इंतजाम है, इतना पुख्ता इंतजाम है कि यज्ञ में आए हुए किसी भी आदमी को किसी भी किस्म की परेशानी नहीं हुई। मैं संस्कारशाला में थी, आज तक मैं जिस संस्था से समाज सेविका के रूप में जुड़ी रही, लेकिन आज मैंने जाना कि वास्तव में समाज सेविका का सही स्वरूप क्या होना चाहिए। मैं अपने आप को बहुत सिंसियर समझता रहा, लेकिन यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स के काम को देख के पता चला कि व्हाट इज सिंसियरिटी। पूर्णा होती 16वें सूर्य के उदय के साथ ही प्रारंभ हुई। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युग
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया स्वाहा इदं गायत्रै इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। यज्ञ ने सबको एक स्वरूप प्रदान किया है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई जात ना कोई पात, परंतु एक बंधन है जिसमें ये सब बंधे हुए हैं। वो बंधन है विचारों का बंधन, इनके संकल्पों का बंधन। वाह भाभी जान, क्या बात है! यकीन ही नहीं आता कि जो कुछ देखा क्या वो सब हकीकत है। रियली भाभी, रहीम बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आजकल के इस मॉडर्न टाइम में इतने सारे लोग एक साथ एक जगह राष्ट्र निर्माण के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसे तो अनेकों कार्यक्रम दुनिया भर में हो चुके हैं और पिछले 50 सालों से हो रहे हैं। ये सब देख समझ में आ रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति सारे मजहबों से ऊपर है। हाँ रहीम भाई, आपने बिल्कुल ठीक समझा। इस मिशन के माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है वो हिमालय के अदृश्य ऋषियों के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हो रहा है। रियली आई लाइक द प्रोग्राम। जैसा कि आपने देखा, इस यज्ञ का उद्देश्य विचार क्रांति से है। इंसान के अंदर सद्भावनाओं का उद्भव हो, मनुष्य अपने संकीर्ण दृष्टिकोण को छोड़कर आपस में भाईचारे से रहे, यही हमारे इस मिशन का मूल मंत्र है।